शीतल जी आपसे भी समझना चाहूंगा, 75-77 का जो विपक्ष का एक रोल था, फिर 89 का जो रोल था, और अभी के रोल में बहुत फर्क है। 75-77 में आपने देखा था कि जो जो आंदोलन के लोग थे, जो बाद में बहुत बड़े नेता हुए, वो उस समय तक एमएलए एमपी बहुत नहीं हुए थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन नीचे के लेवल पे लोग अभी भी छात्र राजनीति में या समाजवादी योजना सभा या अलग अलग संस्थाओं, वो विद्यार्थी परिषद, इस सब जगहों पे थे। 89 में हमने देखा कि कुछ एक गठबंधन टाइप चीज शुरू हो गई, नेशनल फ्रंट आ गया, उधर से एनटी रामाराव, सब लोग अपने अपने पद में थे, कहीं कोई सरकार चला रहा था इनका। और अब जब हम देख रहे हैं विपक्षी राजनीति, तो सब लोग एक जगह हैं, कोई कहीं का चीफ मिनिस्टर है, कोई कहीं का चीफ मिनिस्टर होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, इस तरह की चीज है। तो पहली चीज जो सबसे पहले, शीतल जी आपसे ही अगर हम शुरू कर लें, क्योंकि फिर मैं डॉक्टर सुनीलम के पास आ जाऊंगा, कि ये आपने एक क्वालिटी चेंज देखा कि नहीं देखा, कि अब विपक्ष की जो एकता की बात हो रही है वो थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए है कि सब लोगों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट कह लीजिए या अपने अपने दायरे हैं जिसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे। देखिए, एक तो ऐसा है कि इसके पहले देश में जब भी इस तरह की चीजें हुई हैं जिनके हम रेफरेंस देते हैं, चाहे 89 में हो, चाहे 77 में हो, और चाहे एक हद तक 12-13 में जो अन्ना आंदोलन हुआ उसको भी ले लें, उन सब में एक चीज कॉमन थी, उनमें सब में जो ग्लू था नीचे से वो आरएसएस प्रोवाइड करता था, और उसकी राजनीतिक पार्टी जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्वरूप में रही वो उस आंदोलन में शामिल रहे। उनके शामिल होने से एक चीज बुनियादी तौर पर फर्क आ जाता है, क्योंकि मीडिया में सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व है, और सवर्ण जातियों में जनरल रुझान जो है, अब तो खैर वो रुझान मजबूत हो गया है, बहुत बड़े लेवल पर बीजेपी के साथ है, लेकिन पहले भी उसमें काफी हद तक बीजेपी के प्रति और बीजेपी की धारणाओं के प्रति एक समर्थन भाव रहा करता था। और इससे ऐसा हुआ कि ये जब जब ऐसे आंदोलन हुए जो उस समय कांग्रेस के खिलाफ, ये सब आंदोलन हुए सारे के सारे, इधर वाला भी 12 वाला भी कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ नई सदी में, तो उसमें क्या होता था कि ये ग्रुप मीडिया में एक बहुत अच्छी कवरेज देता था विपक्षी आंदोलन, और उनमें अगर कोई कमजोरियां भी रही होती थी तो उनको उनको भी छुपाता था उनको, बल्कि तमाम पत्रकार तो बाद में जो राजनीति में गए वो सब उसमें इसका काम करते थे कि बीच में आपस में माडवाली हो जाए और झगड़े ना हो, हो तो बाहर ना आए, कम से कम मीडिया में न जाए, चूंकि मीडिया वैसे ही अफर्मेटिव होता था और एंटी कांग्रेस रहता था। अभी जो स्थिति है इसमें सबसे पहली बात ये बदल गई है बुनियादी तौर पर कि इस समय मीडिया ऐसा कभी था ही नहीं जैसा मीडिया अब है, वो दरअसल मीडिया ही नहीं बचा, वो एक आईटी सेल का एक्सटेंशन है जिसके पास मीडिया नामक हथियार है। तो ऐसी सूरत में विपक्ष में जो बिकरिंग्स हैं उनको ये मीडिया बड़ा करता है, ये कम नहीं करता, ये उनका विस्तार करता है, बल्कि ये पैदा भी करता है अब तमाम झूठों और उसके जरिए। और इसलिए जो कुछ बहुत कुछ हो रहा होता है वो जनता के पास दूसरी तरह से जाता है, उल्टा होके जाता है, खराब होके जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारक है जो इसके पहले के मामलों में नहीं था। और ये हम पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो अंदर हो रही होंगी, इसीलिए विपक्षी नेता बहुत सारे जो है अब बहुत ज़्यादा कॉशस होके चल रहे हैं अपनी मूव्स में भी और अदरवाइज भी, और इसलिए भी कि सरकार ने इस बीच ऐसे टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब पेगासस का ही इस्तेमाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं कर पाया, और हम आप देख रहे हैं अब पेगासस माने तो फिर आपका कुछ पर्दा है ही नहीं आपके पास, अगर आप उसके वॉच में हैं तो आपका सब कुछ उनको पता है। इस लेवल की तकनीक और उसके विकास से सामर्थ्य जो सत्ता की बढ़ गई है, दूसरे क्या हो रहा है एजेंसियों इस तरह का रोल, आपातकाल के उन महीनों को हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जितना भी हमारा इतिहास पहले और बाद का है उसमें एजेंसियों के इतने क्रूर और मतलब क्रिमिनल आप कह सकते हैं एक हद तक इस्तेमाल की कोई नज़ीर हमारे सामने नहीं है। तो विपक्ष नाम की जो चीज़ है, अभी हम ये तो स्वीकार ही करेंगे कि जो भी हमारे नीति है, जो हमारे निर्णय हैं चुनाव वगैरह के बारे में कि हम कितने रुपए में ही विधानसभा लड़ेंगे, इतने में ही लोकसभा लड़ेंगे, वो इम्प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल कोई नहीं मानेगा, उसमें 1% किसी को ले ले, कोई सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट कहीं कुछ करता हो तो उसकी बात छोड़ दें,
लेकिन इन जनरल हमारी जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती, यानी शत प्रतिशत राजनीति उससे झूठ बोल रही है, उससे ज़्यादा खर्च कर रही है और उससे कम दिखा रही है। ऐसी सूरत में अगर एक सत्तारूढ़ पार्टी सारे विपक्ष के उन सब चीज़ों पर एजेंसियाँ छोड़ दे जिससे उनकी कहते हैं सांस चलती है, तो चीज़ें असंभव सी हो जाती। तो ये दोनों कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं अभी के वक्त में, जो इसके पहले के आंदोलन के वक्तों में जो भी हम रेफरेंस लेते हैं, 89 लें, 2012 लें या हम 77 लें, उस रेफरेंस में वो उपलब्ध नहीं थे। इसने एकदम बुनियादी फर्क कर दिया। अब दूसरे गेस्ट इसमें शायद प्रकाश डाले।